दोस्तों स्वागत है एचआरआई न्यूज पर। ईवीएम को लेकर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तमाम विपक्षी दल लगातार यही सवाल उठाते रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होने के कारण ही बीजेपी हर बार चुनाव जीत जाती है और इसीलिए बीजेपी ईवीएम पर इतना जोर देती है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर दिल्ली हाई कोर्ट से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाली अपील खारिज कर दी है, साथ ही याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। गौरतलब है कि एडवोकेट सीआर सुकिन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि ईवीएम संदेह के घेरे में है और इसलिए इसे हटाकर बैलेट पेपर से मतदान कराए जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा कि जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम के इस्तेमाल को असंवैधानिक करार दिया। वहीं इस तर्क को दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई और कह दिया है कि बैलेट पेपर से मतदान नहीं कराए जाएंगे। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर याचिका दायर करने के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि यह याचिका महज पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी। देख सकते हैं बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। खबर को लेकर दोस्तों आपके क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए